कथाएं हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। बचपन में नानी दादी से और फिर जीवन की घटनाओं में छिपी कहानियों से हम रूबरू होते हैं और इसी तरह कहानियां जीवन से घुल मिल जाती हैं। आज हम ऐसे ही कथाकार के जन्मदिन के मौके पर उपस्थित हुए हैं। स्त्री दर्पण की ओर से आज हिंदी की महत्वपूर्ण कथाकार मन्नू भंडारी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। मन्नू भंडारी जी ने अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से समाज के उन निर्बल लोगों को आवाज दी जो अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी कहानियों में उन तमाम स्त्रियों को कहने बोलने का मौका दिया जिसे अक्सर चुप रहने की हिदायत दी जाती है। मन्नू भंडारी के जीवन और साहित्य से जुड़े कई संदर्भों को आज हम उनकी छात्रा रेणु गौरी सरिया जी से बातचीत के माध्यम से जानेंगे। रेणु जी उनकी छात्रा रह चुकी हैं। रेणु जी ने अपनी आत्मकथा जिसका नाम है जैकिरिया स्ट्रीट से मेफेयर रोड तक, इस आत्मकथा में उन्होंने मन्नू भंडारी से संबंधित कई संस्मरणों का जिक्र भी किया है। तो आइए इस बातचीत को शुरू करते हैं। मैम, मेरा पहला आपसे प्रश्न है कि आज हिंदी की प्रख्यात कथाकार मन्नू भंडारी जी का जन्मदिन है। मन्नू जी ने अपनी लेखन से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। वे लेखिका के साथ एक कुशल अध्यापिका भी थी। आप उनकी छात्रा रह चुकी हैं और लंबे समय तक आपने उनके साथ समय व्यतीत किया है। ऐसे में आप मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व के बारे में बताएं और उनके साथ आपके जो संस्मरण है उसे आप साझा कीजिए। नमस्ते मधु जी, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मन्नू जी के बारे में या उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज मुझको भी इस स्त्री दर्पण ने शामिल किया है, जबकि ये मेरा पहला ही अनुभव है और बहुत सारी त्रुटियां होंगी। कलकत्ते में बालीगंज शिक्षा सदन नामक एक स्कूल है गरियाहाट में, वहीं पर मन्नू भंडारी ने बहुत साल अपने जीवन के अध्यापिका के रूप में बिताए थे और हम उनकी पहली छात्राओं में से एक थे। जब उन्होंने मैंने सातवीं कक्षा से लेके दसवीं कक्षा तक हम उनसे पढ़े थे और मन्नू भंडारी से पढ़कर हमें ऐसा ही महसूस हुआ था कि हिंदी के प्रति अगर प्रेम जगाना हो तो बस ऐसी ही अध्यापिका होनी चाहिए। जब मैं बाद में अध्यापिका बन के उसी स्कूल में गई थी तो मेरा पहला लक्ष्य यही था कि मैं अपनी छात्राओं में मन्नू भंडारी की तरह का प्रेम जगा सकूं हिंदी के प्रति। उसमें की सफलता असफलता तो बाद की बात है, पर मन्नू भंडारी के साथ छात्र जीवन में बिताए हुए भी बहुत खूबसूरत संस्मरण है। और बाद में उनके ऊपर सुधा अरोरा ने एक पुस्तक संपादित की थी सृजन के शिखर, जिसमें बहुत बहुत नामी गरामी लेखक लेखिकाओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, परंतु एक छात्रा के रूप में विचार व्यक्त करने वाली मैं पहली हूँ उसमें और मेरा नाम मन्नू जी ने ही सुझाया था। इसके लिए भी मैं बहुत गौरवान्वित अपने आप को महसूस करती रही। तो मैं अपनी दोनों ही किताबों में से कुछ पढ़कर आपको सुना देना चाहती हूँ। मैंने अपनी आत्मकथा में अपने स्कूल जीवन के बारे में और अपनी कुछ बहुत ही प्रिय अध्यापिकाओं के बारे में कुछ लिखा है, तो उसी सिलसिले में मन्नू भंडारी के बारे में जो दो चार बातें लिखी हैं उनको मैं पहले पढ़ देती हूँ। और मन्नू भंडारी उनके चुंबकीय आकर्षण से तो कभी मुक्त हुआ ही नहीं जा सकता। जब सुधा अरोरा ने उन पर सृजन के शिखर पुस्तक निकाली तो मुझसे भी मन्नू भंडारी पर एक आलेख मांगा था। वास्तव में मेरा नाम भंडारी ने ही सुझाया था किसी छात्रा द्वारा लिखे जाने वाले आलेख के लिए। मुझे बहुत ही खुशी है कि भंडारी को वह आलेख पसंद आया था। कलकत्ता से उनके दिल्ली चले जाने के बाद भी हमारा संपर्क बना रहा और जब भी संभव हुआ मिलना होता रहा। उनके परम आत्मीय व्यवहार के चलते ही हम कलकत्ता में भी कभी कभी उनके घर जाया करते थे। अपने विवाह के बाद वे पार्क सर्कस में रहने लगी थी। रचना का जन्म भी वहीं हुआ था। मैं, मेरी बहन उषा और उसकी एकाध सखियों के साथ
जब भी मौका मिलता उनके घर जाती। यादव जी भी बड़े प्रसन्न हुआ करते। और फिर तो हम दोनों ही बहनें अपनी अपनी गृहस्थी में फंस गई और मन्नू बहन जी भी दिल्ली चली गई। प्रारंभ में वे अपने लेखक पति राजेंद्र यादव के साथ शक्तिगढ़ में रहती थी। दिल्ली में मेरे भाई ओम के घर से बहुत दूर पड़ता था। बाद में वे हौस खास में रहने लगी। एक बार यह जानने पर कि मैं डायरी लिखा करती हूँ, उन्होंने पढ़ने के लिए मांगी थी। लौटाते समय राजेंद्र जी एवं मन्नू बहन जी दोनों ने ही कहा था, बहुत कीमती है, संभाल कर रखना। मेरे 75वें जन्मदिन पर तो उन्होंने अपना संदेश भेजा ही था। उषा के 60वें जन्मदिन पर भी उसकी बेटी शिवानी ने जो वीडियो बनाया, उसमें उषा को भी उन्होंने अपना प्यार भरा आशीष दिया था। वर्षों बाद उषा की बीमारी का पता चलने पर वे उषा की ननद सरला के यहाँ फल से भरा टोकरा लेकर उससे मिलने आई थी। मैं भी तब वहीं थी। यादव जी ने जब हंस पत्रिका का पुनः प्रकाशन आरंभ किया था, तब कलकत्ते के मेरे फ्लैट में उषा ने ही सबसे पहले उसकी आजीवन सदस्यता ली थी। बहन जी ने अपनी बेटी रचना की शादी का कार्ड भी भेजा था मुझे। वह कार्ड अपनी सादगी में भी इतना आकर्षक था कि उसी की नकल पर बाद में मैंने अर्जुन की शादी का निमंत्रण पत्र बनवाया था। मन्नू बहन जी की सारी रचनाएं हैं मेरे पास, खरीदी हुई भी और कुछ स्वयं उनके द्वारा दी हुई। उनका व्यक्तिगत जीवन हमारे लिए प्रेरणामय रहा है। पहले वे जब भी कलकत्ता आती थी तो अधिकतर मेरे ही यहाँ हमारी गोष्ठी जमती। हम सभी पुरानी छात्राएं उनसे एक ही साथ मिल लेती। ऐसी एक गोष्ठी में मैंने उन्हें अपनी एक रचना काली दैया सुनाई थी। एक प्रकार का रेखा चित्र था। बंजी ने उठकर मुझे गले लगा लिया था और बोली थी, तुम मेरी स्टूडेंट हो इसलिए नहीं कह रही हूँ, तुमने सचमुच बहुत अच्छा लिखा है। उनका यह कथन मेरे लिए अनमोल आशीर्वाद है। अब काफी अस्वस्थ रहने लगी हैं। पिछली बार जब मैं दिल्ली गई थी तो मिलने का समय नहीं दे पाई थी और फोन पर भी बातचीत नहीं कर पाती। अब उनकी कुछ तस्वीरें सुधा जी कब समय समय पर भेजती रहती हैं और उनको देख देख कर मैं अपनी बहन जी को याद करती रहती हूँ। आजकल सबको ही अपनी बहन जी को मैडम बोलते हैं, लेकिन हमारे जमाने में हम लोग बहन जी बोला करते थे। और आज भी मन्नू बहन जी के लिए मेरे मुंह से मन्नू बहन जी ही निकलता है। जब महाभोज पर उषा गांगुली ने नाटक प्रस्तुत किया, मैं अपनी सारी छात्राओं को लेकर, 11वीं 12वीं कक्षा की छात्राओं को लेकर महाभोज दिखलाने ले गई थी। इसके अलावा भी उनकी जब भी कोई उनके द्वारा लिखी गई वासु भट्टाचार्य की कोई फिल्म आई, टीवी पर कुछ भी आया, उनका सब कुछ हम लोग देखते थे। और जब बच्चे थे तब उनसे पढ़ना इतना अच्छा लगता था। वो हमें खाली किताबें नहीं पढ़ाती थी, पाठ्य पुस्तकें, वे हम लोगों को बीच बीच में अपनी लिखी हुई भी और दूसरों की भी कहानियां सुनाती। विदेशी अनुवाद भी की कहानियां भी वो उन्होंने हम लोगों को बहुत सुनाई थी। और उनका ही ये प्रभाव था कि 7वीं 8वीं कक्षा में ही हम लोगों ने बहुत किताबें पढ़ ली थी। मैंने उस समय के जितने भी प्रसिद्ध लेखक थे उन सबको तो पढ़ा ही, बंगला की बहुत सारी किताबों को हम लोगों ने अनुवाद के रूप में पढ़ा था। और इन सब का श्रेय मन्नू जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही हम लोगों को हमेशा हमेशा प्रेरित किया कि हम पढ़ें लिखें। उन्होंने सब समय हम लोगों को पत्र लिखने के लिए भी वो बोला करती थी। हम लोग थोड़े छोटे ही थे तब, बहुत बड़े नहीं हुए थे। और मैंने और अब मेरी बहन लता ने, जो कि हम लोग एक बराबर उम्र के थे, कजिन सिस्टर्स, हम लोगों ने मिलकर खूब ही शुद्ध हिंदी में मन्नू बहन जी को अजमेर एक पत्र भेजा। उसमें मजा क्या हुआ कि हम लोगों ने पता लिखना ही भूल गए हम लोग। अब मन्नू बहन जी जवाब दें तो कैसे। फिर हम लोगों को जब याद आया कि अरे हम तो पता ही नहीं लिखा, तो फिर माफी मांगते हुए एक पत्र और लिखा, उसमें अपना पता लिखा और मन्नू जी का तुरंत जवाब आ गया। उससे पता चला कि बंगला की बच्चों के लिए निकलने वाले विशेषांक होते थे, हर साल पूजा में निकला करते हैं, अभी भी निकलते हैं, उनके मन में बहुत इच्छा थी कि वह बच्चों के लिए उस प्रकार हिंदी में कुछ विशेषांक निकालने का प्रयत्न करें। बाल साथी नामक एक पत्रिका निकालने की योजना भी बनाई थी और हम लोगों को लिखा कि तुम लोगों से भी उसमें बहुत मदद लेनी है। इस प्रकार एकदम स्पष्ट हो जाता है
कि वे अपनी छात्राओं पर कितना विश्वास प्रकट करती थी और उनका हौसला बढ़ाए रखती थी। उन्होंने अपनी नातिनियों के लिए मायरा माही के चलते बाद में बच्चों के लिए लिखा भी है। कभी भी मन्नू बहन जी कलकत्ता आई तो हमारी मिलन गोष्ठी मेरे ही घर में होती थी, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ। और बोर्ड की परीक्षाओं के पहले स्कूल से विदा लेते वक्त हमने सब टीचर्स के ऑटोग्राफ लिए थे। मेरे पास आज भी है वह ऑटोग्राफ जिसमें मन्नू बहन जी ने लिख के दिया है कि तुम टूट जाना पर झुकना मत। वैसा ही संदेश जैसा बंगाल के कवि चंडीदास ने दिया, अन्याय को सहन करने वाला अन्याय करने वाले से भी बड़ा दुखी है। आज हम लोग आज की राजनीति में हम देखें तो हम इस बात को और भी शिद्दत से समझ पाते हैं कि किस प्रकार अन्याय सहने के लिए हमें मजबूर किया जाता है। मेरा बेटा अर्जुन भी फिल्म जगत से जुड़ा हुआ है, तब उसकी पढ़ाई बस खत्म ही हुई थी। उसने जब मन्नू बहन जी की आपका बंटी पर बनी हुई फिल्म और उसका कानूनी केस और वो सब देखा था, सुना उसके बारे में, तो बोला देखिएगा ना बहन जी, जब मैं फिल्म बनाऊंगा तब आपको अच्छी लगेगी। और बहन जी ने उसको भी आशीर्वाद दिया था कि हाँ बेटा बनाना। ये और बात है कि अभी तक आपका बंटी पर कोई फिल्म अर्जुन नहीं बना पाया है। वो इतने झंझावातों से खुद गुजरी, हम लोगों को पता नहीं था। उन दिनों हमारी आदत नहीं थी कि अपनी टीचर्स के व्यक्तिगत जीवन में ताक झांक करें या उनके बारे में कुछ जाने, और हमारे भाई लोग हमेशा ही चिढ़ाते रहते थे। अप्रैल फूल के दिन तो जरूर ही चिढ़ाते थे, देखो देखो तुम्हारी बहनजी का फोन आया है, देखो देखो बहनजी आई है। और एक बार जब मैं दिल्ली गई थी, वो तो बहनजी का घर मेरे लिए तीर्थ स्थान से कम नहीं था। मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं दिल्ली गई हूँ और उनसे नहीं मिली हूँ, और उनके कलकत्ते आने की बात जोहते ही रहते थे। मैं उनके दोनों घरों में गई हूँ, उनके भाई के घर में भी जो कि बालीगंज यानी गरियाहाट में ही है, और उनकी बहन के यहाँ भी, सुशीला बहन जी के यहाँ ले गार्डन्स में भी। इतना आत्मीय व्यवहार, इतना अपनापन, ये उनके स्वभाव में ही था। हम लोगों की स्कूल से हम लोगों को बहुत पहले से ही एजुकेशनल टूर्स पर ले जाया जाता था। बहन जी घर घर जाकर सबको समझाती थी कि ये कितनी जरूरी है, इतना तो कोई भी नहीं करता था। और जब हम लोगों का मन नहीं होता था पढ़ने का तो बोलती थी अच्छा ठीक है चलो आज कहानी करते हैं। और अगर मौसम अच्छा होता तो हमारे पुराना जो स्कूल था जिसमें मैं पढ़ी थी, रूमटा एकेडमी है अब वहां पर, तो उसमें एक बहुत ही बढ़िया पेड़ था, बड़ी घना छायादार, बहन जी बस वहीं ले जाती थी हम लोगों को। उतनी उन दिनों लड़कियां भी कम होती थी, 10-12 एक कक्षा में, और वहीं पर हमारी कक्षा जमती थी। तो इस प्रकार से उन्होंने पढ़ने के लिए हम लोगों को कितना प्रेरित किया, लिखने के लिए प्रेरित किया। आज भी उनका नाम सुनते ही एक रोमांच सा होता है और लगता है कि उनके कारण इतना गौरव है हमारा। मुझे याद है जब अर्जुन के बेटा हुआ था तब मैंने कुछ मिठाई भेजी थी और साथ में 4 पंक्तियां लिखकर दी थी। मन्नू बहन जी तो मन्नू बहन जी, अरे तुम तो कभी भी बहुत अच्छी हो। और मुझे लगा देखो इस प्रकार भी कोई प्यार करता है। और अर्जुन की शादी के समय छोटी सी चांदी की डिबिया मैंने उनको भेजी थी। रचना की शादी का कार्ड का तो मैंने नकल की थी क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत था और उस प्रकार का कार्ड हमारे मारवाड़ियों में कभी नहीं छपा। तो उन्होंने कहा देखो ये तो टाट पर पैबंद के समान है तुम्हारी जो मखमली पैबंद, क्योंकि मेरी ड्रेसिंग टेबल तो इससे लायक ही नहीं है, उसमें 4 इलायची और 4 लौंग आ सकते, इतनी सी वो डिबिया थी। पर उनका प्यार, और उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी अपनी स्कूल के प्रति बहुत प्यार झलकाया है। वे हमेशा कहती थी कि मैंने बालीगंज शिक्षा सदन में पढ़ाकर अपनी उन छात्राओं से जो प्यार पाया है, जो आत्मीयता पाई है, वो दिल्ली में इतने साल कॉलेज में पढ़ाकर भी मुझे नहीं मिला। मन्नू बहन जी के बारे में और क्या बोलूं मैं। जी मैम, जैसा कि आपने अभी छात्र जीवन के बारे में बात की, तो मैम आप यह बताइए कि मन्नू भंडारी जी की कहानी है शंकु,
त्रिशंकु कहानी में दो पीढ़ियों के अंतर्द्वंद को उभारते हुए प्रगतिशीलता के छद्म पर व्यंग किया गया है। इसे आप किस रूप में व्याख्यायित करेंगी? असल में त्रिशंकु कहानी अपनी शैली के कारण इतनी ज्यादा रोचक और अच्छी हो गई है कि एक बार शुरू करो तो उसको छोड़ने का मन नहीं करता है। उनकी कोई भी रचना, चाहे उपन्यास ही क्यों ना हो, तो कथ्य तो उसका बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। तनु के जीवन में उसकी माँ का बहुत बड़ा स्थान है, वह उसकी आदर्श है, क्योंकि नाना के साथ बहुत लड़ झगड़ कर माँ ने अपने विवाह को लक्ष्य तक पहुंचाया था। और तनु ने इतनी बार यह कथा माँ के मुंह से बहुत गर्व के साथ सुनी थी कि नाना का हर शब्द उसको याद हो गया था, कि कैसे नाना विरोध करते थे और माँ कैसे उनसे लड़ती थी। तनु के जीवन में वैसा तो कुछ नहीं होगा, यही आश्वासन माँ के व्यवहार से मिलता रहता है। उसके मित्रों को घर पर बुला लेती है, भोजन कराती है, सुख दुख पूछती है, पर जैसे ही प्रतीत होता है कि किसी एक लड़के से तनु की दोस्ती कुछ अलग ही रूप ले रही है, तो माँ के कंठ में नाना बसते हैं। माँ बार बार आधुनिक बनने का प्रयत्न करती है, बार बार चूक होती रहती है। तनु को माँ का यह रूप नहीं समझ आता है, बस सोचती है नाना पूरी तरह नाना थे, 100% उनसे लड़ा जा सकता था, पर इस मम्मी से लड़ा कैसे जाए, जो एक पल नाना होकर जीती है तो दूसरे पल मम्मी बन जाती है। तनु अपनी माँ से अपना सब सुख दुख भूला करती थी, लेकिन इस मम्मी से लड़ना उसके लिए मुश्किल था। आधुनिक बनने के चक्कर में मम्मी भूल जाती है कि समय कितना बदल गया है। उसने अपने जीवन में 25 साल की उम्र में जो किया, वह अब के बच्चे 15 की उम्र में करेंगे। अब के बच्चों को सहारा भी नहीं चाहिए, ये अपनी लड़ाई खुद लड़ भी सकती हैं, लेकिन माँ है ना वो, इसलिए ये बातें उसके दिमाग में, दिल में बैठती नहीं है। और वो आधुनिक होने की चेष्टा करती है और फिर बार बार अपने संस्कार ऐसे हो जाते हैं कि वो नाना उनके जीवा पे आके बैठ जाते हैं। इसलिए ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है, त्रिशंकु कहानी में आधुनिकता का छद्म रूप ही दिखाई देता है। उसको मैं इतना छद्म नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि त्रिशंकु कहानी में जो मम्मी है वो आधुनिकता का छद्म रूप नहीं है, वो उसके स्वभाव में आ गया है और संस्कार उसके उसको आधुनिक बनने नहीं दे रहे हैं। सॉरी, नहीं काफी। जी मैम, हम सोचते तो बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन सामाजिक परिस्थितियां हमें रोक देती है, हमारी संस्कृति हमें रोकती है कि ऐसे नहीं करना है, इसे नहीं करना है और कहानी तरीके से करना है, में बहुत भी सारी ऐसा चीजें। होता है, हाँ कहानी में भी ऐसा होता है कि कभी पड़ोस का कोई व्यक्ति उसको कुछ बोल देता है और तो कभी कुछ, और वो काफी चिढ़ती है उन लोगों से। घर में भी काफी बहस होती रहती है, लेकिन जब अपने जीवन में सवाल आता है तो थोड़ा मुश्किल होता रहता है। बिल्कुल मैम। मैम, जैसा कि अभी आपने आपका बंटी, मनु भंडारी जी का उपन्यास आपका बंटी पर आपने बात कही, उस पर फिल्म बनी है, तो आपका बंटी को टूटते परिवार में पिसते हुए बच्चे के मानसिक उथल पुथल को खूबसूरती से दर्शाने वाला उपन्यास माना जाता है, लेकिन उस उपन्यास में माँ अर्थात शकुन का मानसिक अंतर्द्वंद भी बखूबी उभरा है, जिस पर बहुत कम बात होती है। तो इस बारे में आप क्या सोचती हैं? ये बात सबसे पहले एक हमारी जो मेरे घर पे जो गोष्ठी हुआ करती थी उसमें मन्नू बिंटी ने एक बार कही थी। उनका उनकी कहानी पर जो सिनेमा बना था और बाद में मन्नू बिंटी के साथ कुछ उन्होंने अपना नाम हटवा दिया था, वो उनको पसंद नहीं आई थी, ये सब अलग बातें हैं, लेकिन उन्होंने तब कहा था कि पता नहीं क्यों इसे शकुन की कहानी के रूप में भी क्यों नहीं ले पाते लोग। तो मैं अभी
कुछ देख रही थी किताबें, तो आपका बंटी पर स्वयं मनु जी ने अपनी भावना कई स्थानों पर प्रकट की है, हमारी गोष्ठी में तो की थी। तीन अलग अलग परिवारों की असामान्य स्थितियों में पल रहे बच्चे की मानसिक स्थितियों से बेहद आहत होकर ही मनु जी ने आपका बंटी लिखा था। सभी समीक्षाओं और चर्चाओं में उन्हें आत्मविश्वास से भर दिया और उन्होंने लिखा है, पर बाद में एक बात मुझे जरूर परेशान करती रही कि समीक्षा हो या चर्चा, सबके केंद्र में बंटी ही इस कदर छाया रहा कि शकुन तो एकदम हाशिए पर चली गई, जबकि मेरे हिसाब से वह भी उपन्यास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र है। अभी तक मात्र संबंधों से अपनी पहचान बनाए रखने वाली व्यक्तित्वहीन स्त्री को अपनी स्वतंत्र अस्मिता, अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाते ही सबसे पहली टक्कर संबंधों से ही मिलती है, फिर चाहे वह माँ के रूप में हो या पत्नी के रूप में या बेटी के रूप में। मातृत्व और व्यक्तित्व का यह द्वंद्व ही शकुन के चरित्र की कुंजी है। जब उसका मातृत्व पक्ष प्रबल होता है तो उसका अतृप्त उपेक्षित व्यक्ति पक्ष प्रश्नवाचक बनकर उसे मथने लगता है, और जब उसका व्यक्ति पक्ष प्रबल होता है तो उसका मातृत्व तिलमिलाने लगता है। शकुन के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी तो यह है कि मातृत्व व्यक्तित्व को इस द्वंद्व में न वह पूरी तरह शकुन बनकर जी पाती है और न पूरी तरह से माँ। और क्या यह केवल शकुन की त्रासदी है? आज भी अपने व्यक्तित्व के दम पर अपने संबंधों से टकराने वाली हजार हजार औरतों की त्रासदी क्या यही नहीं है? ये कोट है मन्नू बहन जी का खुद का, जो मैंने पुस्तक से लिया है, और मैंने फिर वो पुस्तक भी पढ़ ली, फिर से पढ़ ली बरसों के बाद और छोड़ ही नहीं पाई। मैंने मधु जी से बार बार कहा कि मुझको थोड़ा समय और दे दो, थोड़ा समय और दे दो, क्योंकि मैं उसमें से कुछ उदाहरण देखना चाहती थी। तो मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, समय हो तो मैं शकुन बंटी को बेहद प्यार करती है। शकुन बंटी को बेहद करती है, उसे पता था अजय भी उसे बेहद प्यार करता है, अजय यानी उसका पापा, परंतु कानूनन तलाक के कागज पर हस्ताक्षर हो जाना, बंटी को हॉस्टल भेजने की सलाह दी जाने और अजय की प्रेमिका मीरा के प्रेग्नेंट होने की बात सब कुछ सुनकर शकुन की सारी मासूमियत और कोमलता खत्म हो जाती है। अब उसे बंटी अजय के विरुद्ध अपना हथियार लगने लगता है कि वह उससे मिलने नहीं देगी, उसको सताएगी, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि बंटी अपने पापा को इतना प्यार करता है कि उस बंटी की इच्छा रखने के लिए फिर वो कोमल हो जाती है। एक और उदाहरण है, डॉक्टर जोशी को भी अजय या मीरा की डॉक्टर जोशी को भी अजय या मीरा की तुलना में ही वह देख पाती थी, और कभी कभी उसे खुद के लिए बुरा लगता कि क्यों नहीं वह अपने लिए जीती है, अपने को लक्ष्य बनाकर जी पाती है। ये भी एक जगह उल्लेख किया गया है। बंटी किसी भी तरह नई परिस्थितियों से तालमेल नहीं बैठा पाता है, हर रोज एक न एक नया उपद्रव, ऐसा कि बेहद बेहद प्यार करने वाली मम्मी का हाथ तक उसके ऊपर उठ जाता है। डॉक्टर जोशी, जिनसे उसने विवाह किया है, पुनर्विवाह, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। परेशान, हताश, निराश शकुन को लगता है यदि बंटी उसकी नई जिंदगी में बाधा बनेगा तो वह उसे अपने पापा के पास भेज देगी। यह विचार भी उसे कहीं ना कहीं संतोष देता है कि वह जो झेल रही है अजय भी तो झेले। वकील अंकल ने अजय और शकुन के संबंधों को लेकर एक बार शकुन को कहा था कि स्वयं को पूरी तरह समाप्त करके ही वह अजय को पा सकती थी, क्योंकि वकील अंकल अजय के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह समझते थे। शकुन ऐसा नहीं कर पाई थी और उसे अजय को खोना पड़ा था। पंटी में वह कभी कभी अजय की परछाई पाती है और नई दुविधा से ग्रस्त हो जाती है। पुस्तक के प्राय अंत में एक अध्याय की शुरुआत ही जस्टिफिकेशन शब्द से होती है। शकुन अपने व्यक्तित्व की रक्षा करते करते, जैसा कि कहा बंजी ने खुद, न माँ बन पाती है न शकुन बन पाती। महिलाएं कभी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, अलग अलग रूपों में समाज में मौजूद रहती हैं और अलग अलग रिश्तों को निभाती हैं। और आपका बंटी उपन्यास में भी
वो कभी शकुन के रूप में और कभी पत्नी के रूप में, कभी माँ के रूप में, कभी पत्नी के रूप में दिखाई देती हैं, लेकिन अंततः उन्हें एक अंतर्द्वंद उनके अंदर चलता रहता है। मैम, जैसा कि अभी पारिवारिक स्थितियों स्थिति चल रही है, एकल परिवार, तो मन्नू भंडारी जी की कहानी है अकेली। अकेली कहानी की पात्र हैं सोमा बुआ, और अकेली कहानी की जो पात्र हैं सोमा बुआ की तरह बहुत सी स्त्रियां परिवार और समाज की उपेक्षा का दंश झेल रही हैं। सोमा बुआ की व्यथा को कहानी पूरी गहराई से अंकित करती है। आप इस कहानी को किस रूप में देखती हैं? हाँ, एक टूटी हुई छूटी हुई कड़ी को मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगी कि आपका बंटी उपन्यास में बच्चे का अंतर्द्वंद भी बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। इसीलिए वो लोगों को बच्चे का अंतर्द्वंद माने ज्यादा मार्मिक लगने लग जाता है और शकुन हाशिए पे चली जाती है, जबकि शकुन का अंतर्द्वंद भी उतना ही और बहुत प्रतीक शब्दों के प्रयोग किए गए हैं। और अभी मैंने दोबारा से उस उपन्यास को पढ़ा तो मैं क्या बताऊं, मुझे लगा कि इसको हर रोज पढ़ा जा सकता है किसी बच्चे को समझने के लिए। और माँ को भी इस प्रकार की स्थितियां आज के जीवन में बहुत ज्यादा आ रही हैं, और असल में ये सबके समझने की चीज है कि अगर बच्चे को अकेले पालना पड़ता है किसी महिला को और बाद में वो किसी और से विवाह का सोचती है, तो सचमुच में बच्चे के साथ उसका जो रिश्ता है वो किस प्रकार का व्यावहारिक स्तर पे होना चाहिए। इसमें शकुन और बंटी दोनों एक दूसरे के ऊपर इतने ज्यादा निर्भरशील हैं, इसीलिए दोनों बहुत तकलीफ पाते हैं, बहुत तकलीफ पाते हैं। चलिए अब अकेली की बात करते हैं। एकल समाज तो ठीक बात है, आजकल हो ही गया है। उसमें मुख्य रूप से कुछ बूढ़ी औरतों को लेकर ही मन्नू बहन जी ने इस कहानी में लिखा है। एकल समाज की बात इसमें इतनी नहीं आ रही है जितनी ये कि वो भी औरत जिसने अपने बेटे को खो दिया है, जवान बेटे को, और जिसका पति उस दुख से सन्यासी बन के चला जाता है और साल में एक बार 1 महीने के लिए आता है, और वो भी अपनी पत्नी को कोई ऐसा कोई सहारा नहीं देता है, मानसिक या भावनात्मक सहारा नहीं देता है कि जिससे का कारण उसकी पत्नी अपने जीवन में कुछ भी सुख पाए, तो उसने अपने आप को विस्तृत कर लिया है अपनी भावनाओं को, और वो पूरे अपने जितना समाज में अपने आप को जोड़ लेती है। वो बुलाया या ना बुलाया जाए वो सबके घर में जाती है, सबका काम करती है, सबके लिए उसके मन में प्यार है, लोग भी उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सोमा बुआ के समधियाने में ही एक रिश्ता होता है, और वो क्योंकि समधियाना है तो उसके पति भी उसको टोक देते हैं कि बिना बुलाए मत जाना, और उसको भी लगता है भी कहीं तो एक सीमा होनी चाहिए, समधियाने में भी बिना बुलाए मुंह उठा के चली जाए ये तो कोई अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन अपनी तरफ से उसको पूरा पूरा भरोसा और विश्वास है कि यद्यपि उसके देवर नहीं रह गए हैं और फिर भी है तो उसका अपना ही परिवार, जब वो औरों के परिवार में बिना बुलाए जाती रही है तो इस परिवार में तो किसी ने उसको यह भी तसल्ली दे रखी थी कि उसने लिस्ट में उसका नाम देखा है, तो वो और भी पक्का हो जाता है उसके लिए कि उसको तो बुलाया ही जाएगा। और उसकी तैयारियों का जो वर्णन किया गया है, वो अपने लिए एक साड़ी में कड़प लगाती है, रंग करती है, उसमें चमक कैसे आए उसके लिए अभ्रक लगाती है, अपने बेटे की एकमात्र निशानी जो उसके पास थी अंगूठी, उस अंगूठी को बेचकर अपने पड़ोसिन से एक ढंग ढांचे का उपहार भी मंगाती है और उसको सजाती भी है बहुत अच्छी तरह, एक थाली में नारियल बताशा इत्यादि के साथ,
कुछ सिक्के वगैरह रख के ढक के कपड़े से, कि बहुत ही कायदे से वो जाएगी कि समझाने में समझाने वालों की भी भद नहीं होनी चाहिए और उसका भी मान रहना चाहिए। और वो इंतजार करती रहती है, इंतजार करती रहती है। तो फिर उसकी पड़ोसन बोलती है, जो उसी घर में ऊपर रहती है, कि आप अभी तक, अब वो लोग क्या बुलाएंगे, कितने तो बज गए, खाना बनाओ फूफी या जो भी बोलती बुआ। और उसको लगता है अरे सच में उसको बुलाया नहीं गया, और बोलती हाँ ठीक है, दो ही जन का तो खाना है, कितना वक्त लगता है, बना लूंगी। जैसे कि ठीक है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मन ही मन वो एकदम टूट जाती है। और ये बहुत ही मार्मिकता से अंत होती है कहानी, जिसमें उसने छत पर टंगी हुई साड़ी उतारती है, सब चीजों को सहेज कर रखती है। चूड़ियों की बात भी मैं कैसे भूल गई, रंगीन चूड़ियां तक खरीद के वो पहनती है, पैसे खर्चा करने में जरा भी उसको माने संकोच नहीं होता है कि कम से कम कुछ ढंग की तो लगेगी। लेकिन अपने सारे गांव को जिस बुआ ने अपना समझा था, उसके अपने ही लोग उसकी कद्र नहीं कर पाते हैं। इस दुख को जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, उससे लगता है कि सचमुच में एक उम्र आने पर क्या बूढ़ों की नियति, वृद्धावस्था की में इंसान की नियति किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती है? उसका होना नहीं होना क्या सबके लिए बराबर है? ये जो बात है, ये ही चुभने वाली बात है। और अब एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं, और इस प्रकार वृद्धावस्था में अकेले रहने की जो त्रासदी है, वो भी आज के समाज में, गांव की तो बात ही छोड़ दीजिए। मनोबन जी ने कहीं पर लिखा भी है कि शुरू शुरू की उनकी कहानियों के पात्र बिल्कुल अजमेर में ही उनके देखे सुने हुए पात्र हैं, जिनमें कुछ जोड़कर उन्होंने लिखा है। और बाद में वृहत दुनिया से जब उनका वास्ता पड़ता है, तो और भी तरह तरह के पात्र आते हैं। उनमें भी औरत के अकेलेपन को लेकर कई तरीके से उन्होंने लिखा है। और ये कहानी में कोई भी शक नहीं है कि परिवार एकल हो या न भी हो, वृद्धावस्था में इंसान की कद्र बढ़नी चाहिए, उनके अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। ये सब भूल के हम उनको उपेक्षित ही रहने देते हैं। बहुत ही मार्मिक कहानी है, बहुत ही मार्मिक। जी मैम, दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया और मतलब फोन में सारी चीजें उपलब्ध है। पहले क्या होता था कि गर्मियों की छुट्टी में हम नानी घर जाते थे, दादी के पास जाते थे, और बहुत सारी कहानियां सुनते थे दादी से, नानी से। और आजकल क्या है कि ये मोबाइल जो है वो कहानियां भी सुनाता है, गेम खेलने का मौका देता है, तो कहीं ना कहीं परिवार है जो है वो फोन में सिमट रहे हैं। एक घर में सारे लोग, चार लोग बैठे हैं, लेकिन चारों अलग अलग कोने में फोन के साथ व्यस्त हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आपस में ये संवादहीनता का दौर चल रहा है, और आपस में संवाद की कड़ी जो है वो धीरे धीरे टूट रही है, इसका असर वो बुजुर्गों पर भी पड़ता है कि लोग उनसे बातें नहीं कर पाते उस रूप में जैसे कि होना चाहिए था। ये तो सही बात है। ये जो टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ हमारे जीवन में कुछ अच्छी बातें भी आ रही हैं, लेकिन ज्यादातर बातें हम लोगों को ज्यादा अकेला ही कर जा रही हैं, और हम अपने आप में सिमटते जा रहे हैं। अकेली कहानी बहुत पहले की लिखी हुई है, लेकिन प्रासंगिकता उसकी आज भी है, क्योंकि उस प्रकार का अकेलापन अब तो वृद्धावस्था में क्यों। अगर कोई वैसे भी अकेला है जिसका परिवार नहीं है और बच्चे दूर दूर पढ़ने चले गए हैं, उन लोग अपने आप को अपने मित्रों के साथ जोड़कर, फिल्में देखकर, मोबाइल से जोड़कर किसी प्रकार अपना वक्त गुजारते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने उनको बांध दिया है। और मुझको तो इतना भी याद है कि एक बार यहाँ कलकत्ते की मॉडर्नाइज स्कूल, बिरला स्कूल है, काफी प्रसिद्ध स्कूल है, एक बार पता नहीं उसमें क्या हो गया था कि उन लोगों के मन में, वहां के जो मैनेजमेंट है,
और जो स्कूल की जो कर्ता धर्ता अध्यापिकाएं थी, उन लोगों के मन में ये आ गया कि नानी नाना दादी दादा तो बच्चों को बिगाड़ने के लिए होते हैं, इसलिए वो ऐसे ही बच्चों को प्रवेश देती थी, देना पसंद करती थी जो एकल परिवार में रहते हैं। मैंने ये बात अभी आपसे बात करते समय मुझको जब याद आई है तो मैं सोचती हूँ कि हमारे नाना नानी दादा दादी ने हमें तो बिगाड़ा नहीं बिल्कुल भी, बल्कि उनसे कितना कुछ हम सीखते रहे हैं। तो ये बातें कहीं ना कहीं विदेशों से भी आती हैं क्या, क्योंकि वहां सब अलग अलग रहने के आदि होते हैं और केवल क्रिसमस की छुट्टियों में, फिर भी कम से कम एक छुट्टी तो है जिसमें वो मिलते हैं, यहाँ तो कभी कभी वो भी नहीं होता है। इसलिए ये प्रवेश वाली जो बात थी मॉडर्न स्कूल की, ये बात आज भी मेरे को खटकती रहती है। और इतनी सरल भाषा में इतना इतने सुंदर संवाद, आजकल तो लोग सोचते हैं जितना ज्यादा कठिन कर दें रचना को उतना ही शायद अच्छा है, पर मनोगंज जी की तो यही विशेषता है कि वो इतनी सरल भाषा में इतने सुंदरता से इतनी मने इतना प्रभावित कर सकती हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है। मैम मैम स्त्री दर्पण की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और अपने संस्मरणों को साझा करने के लिए। आप स्वस्थ रहे, सृजनशील रहे और लगातार आपका स्नेह हमें मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्त्री दर्पण को फिर से धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मेरे जीवन का ये पहला ही मौका है और वो भी मन्नू बहन जी को लेकर है, तो शायद मैं आप लोगों को कुछ तो संतुष्ट कर पाई होंगी। धन्यवाद धन्यवाद।